हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ पार्ट तक सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच इज ग्रेटर। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स, उन सभी पार्ट्स में हमें टू नंबर्स गिवन है, यानी कि दो नंबर दिए गए हैं, और उन दोनों नंबर्स में हमें ये कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है यानी कि बड़ा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 0.5 और 0.05। अब हम ये कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स कि इन दो नंबर्स में से ग्रेटर यानी कि बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए हम पहले तो डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे दोनों ही नंबर्स में। देखिए, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है, यहाँ भी डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है, तो ये दोनों डिजिट्स तो इक्वल हो गई। अब हम डेसिमल के राइट वाले डिजिट पे आएंगे। डेसिमल के राइट में यहां पर है 5, जबकि यहां डेसिमल के राइट में पहली डिजिट आई है 0, और हम जानते हैं कि 5 0 से बड़ा होता है। तो इसके बाद की जो डिजिट्स है हमें उनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने देखा कि डेसिमल से राइट में जो पहली डिजिट है, जो यहां पर 5 है और यहां पर 0 है, और ये 5 इस 0 से बड़ा है, तो 0.5 ग्रेटर होगा 0.05 से। तो यहां पर हमने लिखा 0.5, ग्रेटर देन का सिंबल बनाया, यानी कि 0.5 ग्रेटर है किससे? 0.05 से। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 0.7 और 0.5। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर यानी कि बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही नंबर्स में डेसिमल के लेफ्ट की जो डिजिट है उनको कंपेयर करेंगे। देखिए, यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है और यहाँ भी डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है, यानी कि ये दोनों डिजिट्स तो इक्वल हैं। तो अब हम डेसिमल के राइट में आएंगे। डेसिमल के राइट में यहाँ पर 7 है और यहाँ पर डेसिमल के राइट में 5 है, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के 7 5 से बड़ा होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि 0.7 ग्रेटर है यानी कि बड़ा है 0.5 से। तो यहां पर हमने यही लिखा, 0.7 ग्रेटर देन का सिंबल बनाया और यहां लिखा 0.5, यानी कि 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 7 और 0.7। हमें कंपेयर करके बताना है कि 7 और 0.7 में से ग्रेटर कौन सा है। तो अभी तक जो मेथड हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट्स को कंपेयर करते हैं दोनों ही नंबर्स में, और अगर वो डिजिट्स इक्वल आती हैं तब हम डेसिमल के राइट वाली डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां तो 7 लिखा है, तो यहां पर तो कोई डेसिमल ही नहीं है। तो जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो यहां लास्ट में डेसिमल होता है, तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7.0। याद रखिएगा, 7.0 और 7 एक ही बात है। अब हम इनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर है 7.0 और यहां पर है 0.7। तो सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। देखिए, यहां पर डेसिमल के लेफ्ट में है 7 और यहां डेसिमल के लेफ्ट में है 0, और 7 0 से बड़ा होता है। तो इसके बाद डेसिमल के राइट वाले डिजिट्स को कंपेयर करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने देखा कि डेसिमल के लेफ्ट में जो यहां पर डिजिट है 7, वो यहां पर डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट यानी 0 से बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि 7.0 इज ग्रेटर देन 0.7। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 1.37 और 1.49। हमें कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम दोनों ही नंबर्स में डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डेसिमल के लेफ्ट में है 1, और यहां पर भी देखिए डेसिमल के लेफ्ट में है 1, तो ये दोनों डिजिट्स तो इक्वल आ गई क्योंकि दोनों ही 1 है। अब हम डेसिमल के राइट वाली डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। यहां पर देखिए, डेसिमल के राइट में पहली डिजिट है 3, और यहां डेसिमल के राइट में पहली डिजिट है 4, और हम जानते हैं कि 4 3 से बड़ा होता है। तो इसके बाद की डिजिट्स को कंपेयर करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने देखा कि यहां पर डेसिमल के राइट में जो डिजिट है वो 3 है, और यहां डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट आई वो 4 है, तो ये 4 इस 3 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37, यानी कि 1.49 बड़ा है 1.37 से। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 2.03
और 2.30, हमें कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर यानी बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट वाले डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट में है 2 और यहाँ पर भी डेसिमल के लेफ्ट में क्या है 2, तो ये दोनों डिजिट्स तो इक्वल आ गई। अब हम डेसिमल के राइट में पहले डिजिट्स जो है दोनों ही नंबर्स में उनको कंपेयर करेंगे। यहाँ डेसिमल के राइट में पहले डिजिट है 0 और यहाँ डेसिमल के राइट में पहले डिजिट है 3, और देखिए 3 0 से बड़ा होता है, तो उसके बाद के डिजिट्स को अब हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने देखा कि डेसिमल के राइट में यहाँ पर पहले डिजिट 0 है और यहाँ डेसिमल के राइट में पहले डिजिट 3 है और 3 0 से बड़ा होता है, तो अब हम कह सकते हैं कि 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। अब हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 0.8 और 0.88। तो सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट में है 0 और यहाँ पर देखिए यहाँ भी डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट है वो 0 ही है, तो ये दोनों डिजिट्स तो इक्वल हो गई। अब हम डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेसिमल के राइट में है 8 और यहाँ पर भी डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट है वो क्या है 8 है, यानी कि डेसिमल के राइट की जो पहली डिजिट हमने दोनों ही नंबर में कंपेयर करी वो भी इक्वल है, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। अब उसके बाद हम उससे नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए डेसिमल के राइट में जो दूसरी डिजिट है वो 8 है, जबकि यहाँ पर डेसिमल के राइट में जो दूसरी डिजिट है यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो जब यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पर डेसिमल के राइट में जो दूसरे नंबर पे डिजिट है वो 8 है और यहाँ डेसिमल के राइट में दूसरे नंबर पे जो डिजिट है वो 0 है, और 8 0 से बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि 0.88 यानी कि ये वाला नंबर इज ग्रेटर देन 0.8। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।